हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो पैथन की इस क्लास में हम बात करेंगे कि किसी एक्सेल फाइल को पैथन में कैसे रीड करवाया जाए। जी हाँ, कैसे रीड करवाया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, जिसका नाम हम एक्सेल डॉट py रखते हैं। और यहाँ पे देखिए, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी टेस्टिमोनियल में। पहली कि आपको यहाँ पे पांडा इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे लिखना होगा नीचे में टेस्टिमोनियल में जाके कि pip इंस्टॉल पांडा। और एंड रिप्लेस करें। यहाँ मेरा पांडा इंस्टॉल हो चुका है, ऑलरेडी सर्टिफाइड पांडा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा करना पड़ेगा pip, और फिर यहां पे लिखना पड़ेगा इंस्टॉल ओपन py एक्सेल। जी हाँ, ओपन py एक्सेल। फिर इसको एंटर प्रेस कीजिए और ये भी आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ ऊपर में हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे। हम लास्ट वीडियो में हम बात किए थे कि किस तरह से हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे पांडाज को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पांडाज, उसके इंपोर्ट पांडाज हम यहाँ पे वेरिएबल कर देते हैं कि एज ए पी डी, हमने पीडी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि डीपी, डीपी ऐसे ही मैंने ले लिया, जैसे एक्स वाई जेड आप लेते उस तरह से कि डीपी। और यहाँ देते हैं कि पीडी डॉट डीपी इक्वल करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, इक्वल पीडी डॉट रीड एक्सेल। इसमें रीड एक्सेल में देखिए, रीड यहाँ पे सीएसवी भी है, एक्सेल भी है, बहुत सारे फाइल टाइप है, बट मुझे एक्सेल को रीड करवाना है, तो हम यहाँ पे एक्सेल सिलेक्ट कर लिया, रीड एक्सेल। ब्रैकेट में हमने देना है आर, आर नेसेसरी है देना, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इनवर्टेड कॉमा में अपना फाइल का पाथ देना है। तो मेरे फाइल का पाथ है ई सेमी कॉलन स्लैश और पूजा डॉट एक्सेलस एक्स। उसके बाद हम कॉमा करते हैं, सीट नेम पूछ रहा है, तो सीट नेम में हम अगेन पूजा कर देते हैं, क्योंकि सीट नेम मेरा पूजा ही है। अब यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। देन हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट, क्योंकि हमें शो करवाना है, तो शो करने का एक ही कोड है, प्रिंट डीपी विदाउट इन्वर्टेड कॉमा डीपी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके रन करना। इसमें एरर दे दिया, वर्कशीट नेम पूजा नॉट फाउंड। ओके, तो पूजा को पी कैपिटल कर देते हैं। या राइट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा पैथन के अंदर जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ देखिए, इसने डेटा रीड करके बता दिया कि मेरा डेटा पूजा में कितना है, पूरा का पूरा इसने रीड करके हमको बता दिया। तो हम एक्सेल फाइल को कुछ इस तरह से रीड करेंगे करते हैं। और इसी तरह की मजेदार वीडियोज को देखते रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, और भी बहुत सारे पैथन की वीडियोज में अपलोड करूंगा।